जो मेरा वीज़ा है वो एक्सपायर हो रखा, तो मैं बिना उसके ट्रैवल कर रहा हूँ। इमरजेंसी चेक हो जाता है, वो भी फिलहाल हो गया। अरे मैं नया नहीं हूँ क्या यार, इतनी चोरों चक्का लग रहा हूँ। आज तक मेरे को कस्टम पे ही रोका, मैं 40वां देश है मेरे आज तक। बाकी अपने को ये मिला है इस तरीके से, यहाँ बाहर का नज़ारा है। इसका प्राइस सुन के आप चौंक जाओगे, ये पड़ा ये है, ये लोकल बियर है, ये 200 करोड़ की है। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप भी अच्छे होंगे। तो भाई पुर्तगाल की जर्नी ख़त्म करके तुम्हारा भाई अब जा रहा है आइसलैंड। फिलहाल खड़ा हूँ मैं फैरो पे। फैरो से मैंने आपको बताया था कि जो अलगारवे डिस्ट्रिक्ट है उसकी कैपिटल लगा लग तरह से, और बिल्कुल एंड टाइम पे फ्लाइट पकड़ी है भाई। पता नहीं क्या आदत सी हो गई मेरे को लास्ट टाइम पे फ्लाइट पकड़ने की। तब ये फ्लाइट जाएगी 4.5 घंटे लगाएगी ओस्लो। ओस्लो में लैंड होंगे हम शायद 11 बजे, और 3-5 घंटे वहीं सोएंगे। और सुबह कल 7 बजे की फ्लाइट अपनी ओस्लो से रेकियाविक। रेकियाविक पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते, जो आइसलैंड की कैपिटल है वहाँ पर। ओस्लो लैंड हो गया भाई, और ये ना ओस्लो में इंटरनेशनल पे घुसते उस तरफ से बहुत सही जुगाड़ है सोने के लिए। नीचे चार्जिंग भी दी हुई है, तो सुबह अपनी 7 बजे फ्लाइट है। जब थोड़ा लंबा लेटते हैं भाई, बोर्ड कर लिया फ्लाइट और टाइम पे थी, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन मैं इतना टाइट शेड्यूल है मेरा, मेरे को 9 बजे लैंडिंग है मेरी आइसलैंड के अंदर रेकियाविक के अंदर, और 10:30 बजे का मैंने पैकेज बुक कराया एक गोल्डन सर्कल का। तुमको फटाफट भागना पड़ेगा एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से हॉस्टल बैग रख के वापस पिकअप पॉइंट पर जाके मेरे को भागना पड़ेगा। सोया नहीं हुआ लेकिन स्वागत है अभी आपका लैंड ऑफ फायर एंड आइस आइसलैंड के अंदर, उसकी कैपिटल रेकियाविक। लेकिन अभी लैंड हुआ हम केफलाविक करके की जगह है जो उसका एयरपोर्ट है मेन, और ये कम से कम घंटा भर दूर है कि रेकियाविक सिटी से। और जो मैं पुर्तगाल गया था आपको उन्होंने बताया था, मेरे पास जो मेरा वीज़ा है यहाँ का रहने का नॉर्वे का रेजिडेंट कार्ड, वो एक्सपायर हो रखा, तो मैं बिना उसके ट्रैवल कर रहा हूँ। कई बार ना इमरजेंसी चेक हो जाता है, मतलब कभी भी आके चेक कर सकते हैं, रैंडम चेक होता है वो भी फिलहाल हो गया है। रेकियाविक में उतरते ही लाइन लगो, तो देखते हैं अब क्या होता है भाई। देखो लिटरली ना मेरा वॉलेट जिसके अंदर मैं अपना वो कार्ड रखता हूँ और मेरा पासपोर्ट हाथ में है, उसने मेरे को देखा और ना साइड में बुलाया कि साइड हो जा। अब उसने क्या देखा क्या नहीं देखा मेरे को नहीं पता भाई। उसने बोल दिया चलो ठीक है, हाउ मेनी डेज आर यू स्टेइंग फॉर? मैं बोला कि आई डोंट नो, मे बी 3-4 डेज। फिर अपने उसने मेरा कार्ड देख लिया गले में, मैं बोला कि हमारी डेली फ्लाइट चलती है, मैं जब मन करेगा जा सकता हूँ, ओके एन्जॉय योर स्टे। तो पता नहीं, मैं ये सच बताऊँ मेरी बिल्कुल नहीं फट रही थी, क्योंकि ना मतलब अब मेरी ना फटनी बंद हो गई। मेरे को डर नहीं लगता किसी भी चीज़ से, सिर्फ इंसानों को छोड़ के, क्योंकि उनके पास होती है बंदूक, ठीक है, और वो तुमको जान से मार सकते हैं। उसके अलावा मेरा किसी भी चीज़, उसके अलावा मुझे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता अब ना। ऐसे ही मैं पुर्तगाल गया था, मेरे को सब दोस्त मेरे मना कर रहे थे कि मत जा, बस मैं इंडिया नहीं आ पाया, क्योंकि इंडिया में जो इमिग्रेशन है वो बड़े आरामखोर हैं, वो नहीं चढ़ने देते मेरे को एक्सपायर्ड कार्ड पर। उनको मैं ईमेल दिखाता, अपनी एप्लीकेशन में दिखाता ना मैं वेलकम टू, हो गया भाई देख लो पहले KEF है इसका एयरपोर्ट कोड जो है ना, तो इंडिया वाले नहीं मानते, इसलिए इंडिया नहीं आ पाया। इसलिए मैं यूरोप में ट्रैवल कर रहा हूँ, यूरोप के बाहर नहीं जा रहा। ये आ गया भाई बाहर कस्टम से, और इवन कस्टम ने भी रोक लिया मेरे को आज पहली बार। अरे मैं नया नहीं हूँ क्या यार, इतनी चोरों चक्का लग रहा हूँ। आज तक मेरे को कस्टम पर ही रोका, मैं 40वां देश है मेरे आज तक। बस मैंने पासपोर्ट मांगा, मुझे हाउ लॉन्ग आर यू स्टेइंग फॉर, दैट्स इट, उसके बाद छोड़ दिया। अब ये फ्लाई बस है ना जो एयरपोर्ट बस, ये जाती है, इसकी टिकट देखते कितने की है। 9,000 आइसलैंडिक क्रोनर की टिकट आई है। 9,000 आइसलैंडिक क्रोनर होते हैं 700 करोन, 700 करोन भी रिटर्न टिकट डिस्काउंट मिला इस पर। मैंने कार्ड दिखाया, कार्ड का कोई डिस्काउंट नहीं मिला। 700 करोन भाई, 5600 रुपये सिर्फ आने जाने के। ये मैंने अब तक का सबसे महंगा कोई बस या एयरपोर्ट ट्रांसफर पे किया है आज तक। नॉर्वे इतना महंगा है, वहाँ पर भी इतनी महंगी टिकट नहीं है। 9,000 आइसलैंडिक क्रोनर भाई। तो एक बस नंबर 55 भी जाती है, आप वो ले सकते हो, उसकी टिकट बहुत सस्ती है इससे। मैं अब तक ना हजम नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने बस ऐसे ही पे कर दिया 9,000 में। चल ठीक है यार, सस्ता ही होगा नॉर्वे से। तो जब मैं कन्वर्जन देखा भाई, बस चल गई है एग्जैक्ट 9:30 बजे, और 10:30 बजे ना मेरे को एक पिकअप पॉइंट पर होना है। तो बहुत भारी समस्या होगी है कि कैसे मैं वहाँ पहुँचूँगा उस टाइम पर। तो मेरे साथ जो बंदा बैठा है ये भी टेक्नीशियन ही है मेरी एयरलाइंस के अंदर, तो ये लोकल है, तो मैं इससे बात कराऊंगा 10 बजे। अगर पिकअप पॉइंट चेंज करना हो, मुझे एक्स्ट्रा पैसे देके, मतलब बहुत ही वियर्ड काम है। और ये तो बिल्कुल मत लेना एयरपोर्ट बस, तो भाई तो दूसरी नंबर वाली जो बस है 55 नंबर चलती है वो ले लेना, आधा घंटा ज़्यादा लगेगा लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे बचा लोगे। ये 5,500 रुपये मेरे को वेस्ट लग रहे हैं। ये है इसका नाम BSI, ये यहाँ का बस स्टेशन है। फुर्सत में आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, मैं जब मैं वहाँ से आया था एयरपोर्ट से, वो थी फ्लाई बस, और वो यहाँ पर आती है
और यहाँ से आपको जहाँ पर भी जाना होता है अपने हॉस्टल्स के अंदर, यहाँ से एक छोटी बस चलती है ट्रांसफ़र बस, उसका कूपन देते हैं अलग से वाला ना ग्रीन वाला, ये दिखाना होता है आपको, इससे आप अपने हॉस्टल जहाँ पे आप रुके वहाँ जा सकते हो। BSI तक की सारी बसें आती हैं, उसके अलावा बात छोटी छोटी गली है ना आगे, तो बड़ी बस जा नहीं सकती। बस ने उतार दिया, हॉस्टल पर आ गए अपन। ये सामने हॉस्टल है, ऐसा सा है, ये नेबरहुड है, उस तरफ एक डोमिनोज है, देखते अंदर जाके। रिसेप्शनिस्ट भाई इनका ब्रेक पे है, लेकिन वाइब काफी अच्छी है। ये देखो आप, ये सारा कॉमन एरिया है बैठने के लिए, बार भी है इनका और रेस्टोरेंट भी है छोटा सा। ये देखो बाहर देखो, अब तक का मैंने सबसे कूल जो हॉस्टल देखा है वो यही है। और इस तरफ छोटा मोटा खाने की शॉप भी है कि आपको अपना जूस वूस और ये सब लेना हो तो इस तरीके से है। प्राइस दिखाऊँ आपको तो घर में, प्राइस पे लिखे तो नहीं है, इन पे लिखे होंगे प्राइस लिखे नहीं हुए पता कितना प्राइस है, ये लिखा हुआ ना यहाँ पर सोडा 500 करोड़ में उतर जाएगी, 250 रुपये की भाई है आपकी, ये 250 से ज़्यादा की 300 की लगा लो बल्कि। भाई ये मिल गया, 6 बेड का मिला मेरे को आज, 2 फ्लोर और चढ़ने में ऊपर ना। अभी ये आ गया भाई अपना रूम, थीम तो अच्छी है इस हॉस्टल की ना, इस तरीके से रूम भाई काफ़ी नीट एंड क्लीन है, सही लग रहा है, साफ़ सुथरा है। ये लॉक कर दिया मैं, सामान रख सकते हो, मैं लॉक लेके मैं बहन ही मैसेज डाल देता हूँ। ये भी हैं बड़े लॉक, उसमें रख सकते हो रखना चाहो तो, बड़ा सामान है तो। बाकी अपने को ये मिला है इस तरीके से, यहाँ बाहर का नज़ारा है, काफ़ी सही लगा मेरे को, काफ़ी अच्छा हॉस्टल है। मैं इतना हॉस्टल में रुकता नहीं लेकिन मेरे को सही लगा, शायद ये बाहर का एरिया बैठने का ना, यहाँ पर जैसे टेबल सी है, हीटिंग भी है, ठीक है अपना ये मिल गया। लेकिन मेरे सारी इसमें चद्दर नहीं लगी, मैं जाके दोबारा बोलना पड़ेगा उसको ना, बेडशीट नहीं लगी हुई है, बेडशीट नहीं होती, उसको बेडशीट में काउंट करना, बेडशीट ऐसी होती है, इसके नीचे एक लेयर अलग होती है ये वाली, लेकिन ये बेडशीट होती है, जाके बोलना पड़ेगा उसको। तो ये डोमिनोज उन्होंने बताया था बगल में, वहीं आया हूँ, और मैंने बस मीडियम साइज़ पिज्ज़ा मंगाया, इसका प्राइस सुन के आप चौंक जाओगे, ये पड़ा 4000 आइसलैंडिक काउंटर का, 2500 इंडियन रुपीज़ का पड़ा है सिर्फ पिज्ज़ा। ये मैं कोक की ग्लास में पानी पी लूँ, टैप वाटर, 2500 का इससे मैंने पिज्ज़ा मैंने आज तक नहीं खाया है भाई। ये नॉर्वे, मैंने अब तक जितनी भी कंट्री घूमा हो ना, मैं सिर्फ न्यूयॉर्क जब मैं गया था सिटी में, US में जब मेरे को थोड़ा वो ही महंगा लगा था, उसके अलावा जितनी भी कंट्री घूमा ना नॉर्वे से, मैंने आज तक नहीं सोचा खर्चते टाइम, आज तक भी सस्ता लगता था हमेशा, ये पहली कंट्री ऐसी निकली है। इवन स्विट्ज़रलैंड में भी गया था मैं, मेरे को वो भी महंगा नहीं लगा था नॉर्वे के कंपेरिजन में, वैसे है महंगा, ये मेरे को पहली कंट्री लगी है जो नॉर्वे को भी माफ़ कर रही है भाई। भाई इस तरीके की नंबर प्लेट होती है जैसे नॉर्वे में होती है ना, सेम ऐसी उसमें NO लिखा होता है, N लिखा होता है नॉर्वे, या IS लिखा है। ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है आइसलैंड, ये EEA का पार्ट है, यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया करके होता है, तो ट्रेड उनके बीच में फ्री है और बॉर्डर फ्री है, लेकिन ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। और आपको ये भी बता दूं कि आप बोलोगे IS क्यों लिखा भाई, ये IC क्यों लिखा, आइसलैंड है तो भाई इसको ईस्लान बोलते हैं, ईस्लान जैसे जो स्कैंडिक भाषा में ईस्लान, ईस मतलब आइस होता है, तो लैंड को लान बोलते हैं, ईस्लान जैसे नॉर्वे को ना NO करके लिखते हैं, लेकिन प्लेट पे N लिखा दो कि नॉर्गे बोलते हैं, नॉर्गे, नॉर्वे का जो नाम नॉर्वेजियन लैंग्वेज नॉर्गे है। एक्स्ट्रा पे आ गया हूँ, ये सेम नॉर्वे वाला ही है लेकिन वहाँ पे X से होता है सिर्फ, XTRA, ये EXTRA है, देखता हूँ मेरे पास यहाँ की मेम्बरशिप तो है नॉर्वे वाले की, इसमें अगर स्कैन होता है नहीं होता है ऑब्वियसली अलग होगा, दिखाता हूँ आपको फिर यहाँ कितने रेट वेट है कि कितना महंगा है सौदा पानी। मेरे को तो सिर्फ दूध लेना और अंडे देने हैं, वही अपना ब्रेकफास्ट है, हो सकता है थोड़े ओट्स का छोटा पैकेट मिलेगा तो वो भी ले लूँगा। और यहाँ पे ना आपको मैं दिखाया था नॉर्वे के अंदर ना, कोई भी कैन लोगे ना प्लास्टिक का या अल्यूमिनियम का, उस पर पंत लिखा होता है, एक पंत होता है स्वीडन के अंदर और 2 पंत होते हैं नॉर्वे के अंदर का, तो 2 क्रोन देने पड़ेंगे खाली के, जो मतलब आपको पे करते टाइम, जैसे मान लो इसका 20 क्रोन प्राइस है तो आपको 22 पे करना पड़ेगा, 2 आपको क्रोन के देने पड़ेंगे, इसका रिसाइकिल करोगे आपको पैसे वापस मिल जाएंगे, इस वजह से 1 करोन। लेकिन हर कैन पर नहीं है यहाँ पर ना, तो इस वाली बियर पर है सिर्फ, इस वाली पर नहीं है, जब इस पे नहीं है, और ये है, ये लोकल बियर है, ये 200 करोन की है, यहाँ की 200 करोन लगा लो मोटा मोटा 150 रुपये की। मैं आपको चिप्स क्रिप्स के रेट दिखाता हूँ, ये देखो ये चिप्स क्योरिटोस देखो 350 करोन का, मतलब इसको आधा करके थोड़ा उस पर ना 20-30 रुपये और जोड़ दो बन जाएगा, तो ये 200 रुपये का लगा लो आप पैकेट है। कई कंट्रीज़ में ना एक कैन लेना अलाउड नहीं होता, देखो स्कैंडिनेविया में आप एक कैन ले सकते हो,
से यूके के अंदर आपको पूरे 4 या 6 की पैकिंग लेनी पड़ती है। देखो कहीं दूध नहीं दिख रहा है, दूध हाँ इस तरफ दूध रखे हैं, देखो ये दूध देखते हैं, अंडे देखो अंडे कितने के, 12 अंडे हैं भाई, 700 450 रुपये के 12 अंडे हैं भाई, ये तो माफ़ कर रहा है नॉर्वे की प्राइस को भी। तो भाई देखो दूध आ गया, लेट मिल्क होता है लाइट जो लगा लो अपना टोंड, ठीक है ये होल मिल्क लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये सेमी स्किम्ड है, डबल टोंड टोंड फीलिंग जो होता है। अब ये देखो ये लेट मिल्क जो है 1 लीटर का 250 क्रोन का, लगभग एक 150 रुपये का पड़ गया आपको, होल मिल्क 300 का भाई, कमाल ही हो गया। तो मैं लेता हूँ आप 30 क्रोन का, नहीं 240 रुपये का, यहाँ पे 300 का है। हाँ ये सर यहाँ मिल्क दूध सस्ता है एक्चुअल में, इन ऑर्डर से सस्ता है भाई, केलो देख लो भाई 400 क्रोन पर किलो, 250 रुपये के पर किलो। ये सब आइटम दिए, दूध एक बियर केले 1.5 किलो 2 किलो ओट्स रे, कितने का बिल आया 2000 करोड़ का, इतने मोटा मोटा हो गया आपका 1000 करोन, मतलब 1200 रुपये भाई। पहली बार मैंने देखा कि कोई कबाब की दुकान ग्रीक है, ये मैंने लिया 2500 आइसलैंडिक क्रोन का, यानी 180 करोन का, यानी मोटे मोटे हो गए 1500 कुछ रुपये का, इससे महंगा कबाब मैंने आज तक नहीं खाया भाई। पूरी सिटी घूम लिया मैं लगभग, मेरे को वही मैं ढूंढता कि इंडियन रेस्टोरेंट कोई क्यों नहीं है, ये मिला है अब एक ना, देखो ओस्तूर इंडिया फियालागीद इंडियन रेस्टोरेंट, और होली का भी इन्होंने ना एक कुछ बनाया हुआ है, देखो कि होली पे स्पेशल कुछ सर्व करेंगे, उसका जो डोर है मेन डोर ये कितना सेक्सी लग रहा है, इंडिया इन्होंने शायद इंडिया से इम्पोर्ट कराया होगा मेरे ख्याल से, ये लकड़ का देख लो जो मैंने गाँव की हवेलियों में जो होता था वो डोर है। चलो इंडियन रेस्टोरेंट भी दिख गया, हालांकि इंडियन और देसी कोई नहीं दिखा मेरे को, बस एक पाकिस्तानी दिखा जिससे मैंने अपना कबाब बनवाया था। मैं कल फालतू में भाई वो खरीद लाया मोस्टली, देखो सारे कॉर्नफ्लेक्स फ्री रखे हैं, और इस तरफ ये बासमती ऑफ पंजाब, ये सब फ्री आइटम रखे हैं, जैसे स्वाद बड़े मिले थे ना हमको सेम वैसे ही, फालतू में मैं होट्स लेके आ गया कल भाई। ये अपना ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, वही फ्री के कॉर्नफ्लेक्स ले लिए मैंने, और 5 अंडे और 3 केले लेके चला जाऊँगा टूर पे साथ।